ओम शांति। आज की तारीख है 18/9/22 और आज की ज्ञान मुरली हम किसकी सुनेंगे? प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त धारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली सुनेंगे। तो तारीख है 15/4/92 की मुरली। तो आज की मुरली का शीर्षक है ब्राह्मणों की दो निशानियां, तो एक निश्चय और दूसरा विजय। तो बाप दादा बोले, ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि और निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी। तो हर एक ब्राह्मण निश्चय बुद्धि कहाँ तक बने हैं और विजयी कहाँ तक बने हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है निश्चय और निश्चय का प्रमाण है विजय। निश्चय की परसेंटेज सभी ज्यादा अनुभव करते हैं और विजय की परसेंटेज निश्चय से कम अनुभव करते हैं। जब किसी से भी पूछते हैं कि निश्चय कितना है, कहते हैं 100%। और निश्चय की निशानी विजय कितनी है उसमें 100% कहेंगे। आपका स्लोगन निश्चय बुद्धि विजयंती, फिर निश्चय और विजय में अंतर क्यों? निश्चय और विजय दोनों निशानियां समान होनी चाहिए ना, लेकिन अंतर क्यों है, इसका कारण क्या है? कोई भी फाउंडेशन जब पक्का किया जाता है तो उस स्थान को चारों ओर अटेंशन देकर पक्का किया जाता है। अगर चारों ओर में से एक कोना भी कर कोरा रह जाए या कमजोर रह जाए तो पक्का रहेगा या हिलता रहेगा? तो ऐसे ही निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर अर्थात विशेष चार बातों का संपूर्ण निश्चय चाहिए। वह चार बातें पहले भी सुनाई है। एक तो बाप में संपूर्ण निश्चय। अच्छा, बाबा याद प्यार देते हुए कह रहे हैं कि चारों ओर के सदा निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माओं को सदा निश्चय और विजय को समानता में लाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा स्वमान में रहे स्वपरिवर्तन और सर्व के परिवर्तन के यथार्थ कल्याण की भावना रखने वाली आत्माओं को सदा बाप के समान बन प्यार का सबूत देने वाली आत्माओं को सदा यथार्थ रूहानी रू रिहान कर सदा यथार्थ रू रिहान कर व्यर्थ बातों को समाप्त करने वाली आत्माओं को दिल वाला बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान सतगुरु बाबा का नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। कोई भी संकल्प व संस्कार सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाए, इसके लिए सारे दिन में
ट्रैफिक ब्रेक का अभ्यास चाहिए, क्योंकि व्यर्थ व नेगेटिव संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास करो, तब स्वयं के व्यर्थ को परिवर्तन कर स्वपरिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन सकेंगे तथा अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा अनेक आत्माओं को सुख शांति का वरदान दे सकेंगे। स्लोगन है, ड्रामा के ज्ञान को स्मृति में रखने वाले ही नथिंग न्यू की विधि से विजयी बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।